तो ये जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तरह से फूलों से पूरी तरह से सजकर ये मंदिर तैयार है, भव्य तरीके से नजर आता है। दूसरी रात्रि में ये जो नजारा किस तरह से है, पूरी अयोध्या नगरी में ये रौनक आप देख सकते हैं। यूं तो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव दीपावली से एक दिन पहले मनाने की परंपरा शुरू कर दी, लेकिन अब 22 जनवरी से पहले देखिए दीपों की कैसी श्रृंखला जय श्री राम का उद्घोष कर रही है। और इन दियों की भी अपनी कहानी आप देखिए, इस पर लिखा है अयोध्या की मिट्टी के दिए हैं ये। एग्जैक्टली तो ये अयोध्या की मिट्टी के दिए, अयोध्या के कुम्हारों के द्वारा बनाए हुए दिए, जो हम लोगों ने अयोध्या के वासियों को एम्पावर करने के लिए, लोकल बिजनेसेस जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं उनका नुकसान हो रहा है, क्या होता है मशीनों से बन जाते हैं, लेकिन ये हाथों से बने हुए दिए हैं और इन दीपों को एक अद्भुत आकार में ये बनाया गया है। दीप जला की दिवाली मैं बनाऊंगी तेरी जो प्री के भाग आज खुले जाएंगे राम आएंगे। कितनी साल की है? 3 साल की। 3 साल की है तो देखिए 3 साल के हो या फिर 90 पार, जितने आए हैं भक्ति से सराबोर आए हैं। और अब 22 जनवरी को बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़े बड़े अतिथि यहाँ पर आएंगे, वीआईपी नहीं वीवीआईपी यहाँ पर आएंगे, फिल्म इंडस्ट्री के, क्रिकेट से जुड़े हुए उद्योगपति सब यहाँ पर आने वाले हैं। सुरक्षा की बंदोबस्त बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। राम जी की नगरी में अभी सब कलाकार हैं, आप किसी के भी मुंह पे माइक रखिए, हम दावे से कह सकते हैं उसको राम भजन आता ही होगा, सही है ना? जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। राम देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। तो आपको अपने घरों में बैठ के टीवी देखते हुए लग रहा होगा कि काश आप भी अयोध्या नगरी में होते, आप भी देख पाते ये सभी रंग। तो हमने समेट कर आपके लिए ये सब, आप देखिए इसे और सोचिए कि अयोध्या नगरी में अभी कैसा रंग जम रहा है। तो अभी आप देख रहे थे, आप सब देख रहे थे श्वेता सिंह की रिपोर्ट। और अयोध्या में आज 5वां दिन है अनुष्ठान का, भव्य तैयारी आगे बढ़ रही है। और कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो तैयारी है वो आखिरी चरण में है, कोई भी कमी रह ना जाए, इसलिए सीएम खुद जायजा ले रहे हैं और दिशा निर्देश जरूरी गाइडलाइंस हैं वो दे रहे हैं। रामलला के स्वागत के लिए अवध यानी अयोध्या उत्सुक है। नए विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ऐसा ही लग रहा है जैसा बाबा तुलसीदास ने लिखा, अवधपुरी सोहई एही भांति प्रभु ही मिलन आई जनुराती। लेकिन देव सूर्य को देखकर ठिठक गई अवधपुरी और वो संध्या की भांति बहुत सुचारू बन गई। अगर हम देखें तो प्रभु के स्वागत के लिए अयोध्या ने अपना नया रूप बदला है, नया कलेवर लिया है, नए तेवर लिए हैं, नए जेवर लिए हैं। और ये यहाँ से लता चौक से यानी प्रभु के गुणगान की स्थली से लेकर इधर ये सूर्य पथ और उधर ये जो पूरी चमक दमक रौनक है, ये 22 तारीख के बाद फिर ऐसी ही होगी, क्योंकि अब सुरक्षा के कारणों से धीरे धीरे श्रद्धालुओं को विदा किया जा रहा है ताकि प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव पूरे सुचारू रूप से यहाँ संपन्न हो सके। लिहाजा अब ये पूरी नगरी अयोध्यापुरी प्रधानमंत्री का सुरक्षा घेरा है, यानी जिसे SPG का सुरक्षा घेरा कहते हैं, उसके धीरे धीरे उसके आगोश में आ रही है। लेकिन यही सरयू की धार अपने रफ्तार में बही जा रही है, क्योंकि ये धार भक्ति की धार है, संस्कृति की धार है, आस्था की धार है, विश्वास की धार है, और ये कहें तो ये रघुकुल के विचारों की धार है, जिसमें कहते हैं प्राण जाई पर वचन न जाई। और अयोध्या के लिए, अयोध्या के कहें तो इसके इसको अपना पुराना गौरव लौटाने के लिए कितने लोगों ने प्राणों की आहुति दी, लेकिन अब उनके सपने जो पीढ़ियों तक आंखों ही आंखों में तैरते रहे, अब वो सपने साकार हो रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं 8वीं पीढ़ी ने सपना देखा और आगे की 8वीं पीढ़ी ने उस सपने को साकार होते हुए देखा।
तुम्हारे सहयोगी संजय शर्मा की रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे और ये तस्वीरें आपको एक एक करके हम चुन चुन कर जो दिखा रहे हैं। देखिए जरा ये भव्य अद्भुत तस्वीरें अयोध्या की। मंदिर में कार्य किस तरह से आगे है और हवन पूजन मंत्रोच्चार के बीच पूरा जो वातावरण है, वो जो ध्वनि आपको वहां सुनने को मिलेगी, वो गजब का उत्साह लेकर आ रही है। और अब बहुत कम वक्त जो है वो शेष रह गया है प्राण प्रतिष्ठा में। प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे और उसके पहले किस तरह से विधिवत जो अनुष्ठान है, आज पांचवा दिन है, वो आगे बढ़ रहा है, ये भी तस्वीरें आपको हम साझा कर रहे हैं। तो भक्ति की शक्ति से देखो रेत रूप में प्रभु समाते हैं, जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी तर जाते हैं। हम यहाँ पर अयोध्या की गली वीथियों में वैसा ही जमाना है। हर तरफ कोई न कोई कलाकार अपनी साधना का, अपनी कला का, अपनी भावना का प्रमाण दे रहा है, प्रस्तुतिकरण दे रहा है, यानी सबको लगता है कि राम की सेवा में वो क्या कर सकता है। राम की सेवा में कुछ वैसा ही योगदान करने का कि लोगों की मंशा है, कलाकारों की मंशा है, जैसे इस गिलहरी ने की है। जब सेतु बन रहा था तो गिलहरी ने रेत अपने शरीर पर धारण करके और वो लगातार उसमें पुल बनाने में योगदान कर रही थी। और रामचंद्र जी ने जब उनको बहुत प्यार से अपने पास रखा और पूछा कि तुम्हारे योगदान से क्या होगा, तो इस गिलहरी का कहना था कि मेरी जो भूमिका है वो जब इतिहास लिखा जाएगा तो जोड़ने वालों में मेरी भूमिका होगी, तोड़ने वालों में नहीं। मैं भी कलाकार हूँ और बलिया से हूँ, मेरा नाम रूपेश सिंह है और मैं भी गिलहरी की तरह भगवान के 500 वर्षों की तपस्या पूर्ण होने पर गिलहरी की तरह, जैसे इस गिलहरी के रोल में इतने सारे रोल छुपे हैं, ये कलाकृति बनाने का मेरा यही मकसद है। इस कलाकृति से पूरे दुनिया को यह मैसेज दिया जा सकता है, जिस प्रकार एक छोटी सी गिलहरी ने भगवान के विकट परिस्थितियों में अपना श्रमदान किया था, अपना समर्पण किया था, उसी तरह से यहाँ मतलब राम सेतु निर्माण में बड़े बड़े पत्थरों के बीच छोटे छोटे कण डालकर उन सभी पत्थरों को जोड़कर जो मजबूती देने का काम किया था, ठीक उसी प्रकार से अयोध्या में और भारत के सभी कार सेवकों ने अपना बलिदान देकर, राम भक्तों ने अपना सहयोग और समर्पण देकर भगवान का दिव्य और भव्य मंदिर निर्माण में अपना सहयोग किया। तो सब अपने हिस्से की जो मेहनत है वो लगा रहे हैं, किसी भी तरह से वो चाहते हैं कि उनकी सहभागिता हो जाए जो ये मंदिर निर्माण और मूर्ति स्थापित हो रही है उसमें, जो साज सज्जा से लेकर हर तैयारी में जिसकी जो भूमिका है वो खुद को शामिल करना चाहता है।